हेलो दोस्तों, हम पेट्रोल व्हीकल को छोड़कर पेट्रोल के अल्टरनेटिव व्हीकल पे शिफ्ट होने का मेजर कारण है पेट्रोल के बढ़ते दाम और हमारे कन्वीनियंट। अभी तक मार्केट के अंदर पेट्रोल के अल्टरनेटिव में बहुत ही कम ऑप्शन थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन रिसेंटली बजाज ने एक और अल्टरनेटिव को ऐड किया है टू व्हीलर सेगमेंट में, जो की है वर्ल्ड की फर्स्ट CNG बाइक फ्रीडम 125। ये तो एक पेट्रोल का अल्टरनेटिव हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में और मोटरसाइकिल की कैटेगरी में बहुत ही कम ऑप्शन है इसके अल्टरनेटिव पे। अभी तक तो मार्केट में कुछ छोटे मोटे कंपनी तो थे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उतना कॉम्पिटिटिव नहीं थे बजाज के कंपैरिजन में। लेकिन अभी रिसेंटली ओला ने अपने पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को भी लॉन्च कर चुका है मार्केट में, जिसके बाद मार्केट एक और स्टेप आगे बढ़ चुका है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में। तो ओला के इस लॉन्च के बाद पेट्रोल के अल्टरनेटिव ऑप्शन तो बढ़ गए हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये अल्टरनेटिव ऑप्शन के अंदर हमें कौन सा फायदेमंद है और हमें कौन से कन्वीनियंट ज्यादा ऑफर कर रहा है। तो इसके लिए इस वीडियो के अंदर हम बजाज की तरफ से लॉन्च हुई दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 को ओला की तरफ से लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रोस्टर एक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। इसका मेजर कारण यही है कि ये दोनों मोटरसाइकिल अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आने वाले हैं और काफी अच्छे रेंज के साथ आने वाले हैं, तो जिसके लिए ये दोनों का कंपैरिजन तो बनता है। वैसे एक IC इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कंपैरिजन ज्यादा डिमांडिंग तो नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए एक मोटर और एक इंजन किस तरह से परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है सेम प्राइस सेगमेंट में, जिससे हम ये आसानी से डिसाइड कर सकते हैं हमें कौन सा लेना चाहिए। वैसे आप CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच में होने वाले डेली खर्चे के बारे में डिटेलली जानना चाहते हैं तो पहले से वीडियो बना के रख चुका हूं, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, जिसके अंदर आपको पता चलेगा 200 किलोमीटर पे आप ट्रैवल करने पर आपको CNG में और इलेक्ट्रिक में कितना खर्चा आने वाला है डेली का। फिर इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ परफॉर्मेंस और कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन भी रिवील किए गए हैं, उनके डिटेल्स जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्राइस कंपैरिजन से ही। प्राइस कंपैरिजन से ही हमें पता चलता है किस व्हीकल के लिए कितना ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। सबसे पहले रोस्टर एक्स की बात कर लेते हैं। रोस्टर एक्स के अंदर तीन वेरिएंट दिए गए हैं बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से, जिसका प्राइस भी डिफरेंस होने वाला है। सबसे पहला जो कि बेस वेरिएंट है रोस्टर एक्स के अंदर 2.5 किलोवाट आवर बैटरी के साथ, जिसका प्राइस शुरू हो रहा है 75,000 से, और दूसरा वेरिएंट है जो कि 3.5 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आती है, जिसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 85,000 से, और तीसरा वेरिएंट जो कि टॉप वेरिएंट है जो कि 4.5 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आता है, इसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1 लाख से। और अगर हम बजाज फ्रीडम का प्राइस भी देखा जाए तो बजाज फ्रीडम की तरफ से भी तीन वेरिएंट ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर सेम परफॉर्मेंस तो मिल रहा है लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम और हेडलाइट के अंदर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका बेस वेरिएंट आता है जो कि ड्रम ब्रेक के साथ आता है, हेलोजन हेडलैम्प के साथ आता है, इसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 95,000 से। और दूसरा वेरिएंट यानी मिड वेरिएंट आता है ड्रम ब्रेक और LED हेडलैम्प के साथ, जिसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1,05,000 से। और तीसरा यानी टॉप वेरिएंट आता है डिस्क ब्रेक और LED हेडलैम्प के साथ, इसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1,10,000 के आसपास से। और अगर इन दोनों कंपनियों के इन दोनों मोटरसाइकिल के प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो बजाज फ्रीडम के लिए ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। अगर बेस और मिड वेरिएंट लेते हैं तो लगभग 20,000 ज्यादा देना होगा, अगर टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो 10,000 के आसपास ज्यादा प्राइस देना होगा बजाज फ्रीडम के लिए। तो प्राइस के बाद बढ़ते हैं बेसिक स्पेसिफिकेशन के तरफ। वैसे बता दूं ओला के तरफ से रोस्टर एक्स के बेसिक स्पेसिफिकेशन ज्यादातर रिवील नहीं किए गए हैं, जितने रिवील किए हैं उन्हीं के बारे में कंपैरिजन कर लेते हैं। वैसे रोस्टर एक्स के अंदर तीन वेरिएंट ऑफर किए जा रहे हैं बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से, इसके अलावा मोटर परफॉर्मेंस तो सभी के अंदर सेम टू सेम मिलने वाला है। एज इट इज बजाज के अंदर भी तीन वेरिएंट ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर परफॉर्मेंस तो सेम ही मिलने वाला है, बस ब्रेकिंग सिस्टम और हेडलाइट के अंदर चेंजेस होंगे जैसे कि हमने पहले बात की थी। और अगर इनका डिजाइन देखा जाए तो दोनों के पहली बार मार्केट में लेकर आए हुए डिजाइन ही है और कंपनी की तरफ से एकदम स्क्रैच से काम किया गया है। तो ओला की तरफ से पहली बार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च किया जा रहा है तो इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया है मोटरसाइकिल के लिए एकदम स्क्रैच से काम करके, और इसी प्लेटफॉर्म पे ओला की तरफ से आने वाले सभी मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाले हैं। अगर बजाज फ्रीडम की बात की जाए तो ये CNG के अराउंड एक नया प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है और नया डिजाइन के साथ लेके आए हैं। वैसे दोनों का डिजाइन भी देखने में भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और दोनों में भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही कन्वीनियंट डिजाइन को लेके आए हैं इन्होंने। और डिजाइन के साथ साथ अगर बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो दोनों में भी मेटल से बनी हुई चेसिस देखने को मिल रही है, लेकिन ओला रोस्टर एक्स के अंदर बॉडी पैनल जो है वो प्लास्टिक बॉडी पैनल्स होने वाले हैं, ज्यादातर बजाज के अंदर मेटल ही यूज किया जाता है। और इस डिजाइन इस बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इन दोनों मोटरसाइकिल के अंदर 5 कलर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन बजाज का जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर सिर्फ 2 कलर्स चूज करने का मौका मिल रहा है। और इसके अलावा स्पीड और ओडोमीटर चेक करने के लिए
लिए काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो रोस्टर एक्स के अंदर 4.3 इंचेस का एलसीडी सेगमेंटेड डिस्प्ले दिया जा रहा है। बजाज फ्रीडम के अंदर स्मॉल एलसीडी डिस्प्ले दिया जा रहा है जो कि टॉप वेरियंट के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। बेस और मिड वेरियंट के अंदर कोई भी कनेक्टिविटी के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा स्मूथ राइडिंग के लिए और कंफर्ट के लिए काम आने वाले सस्पेंशन की बात की जाए तो रोस्टर एक्स के अंदर फ्रंट में स्टैंडर्ड फोर्क सस्पेंशन दिया जा रहा है और रेयर साइड में ट्विन शॉक अब्सॉर्बर दिए जा रहे हैं। वहीं पे फ्रीडम के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्स सस्पेंशन दिया जा रहा है और रेयर साइड में मोनो शॉक अब्सॉर्बर दिया जा रहा है। और इसके अलावा सेफ्टी के लिए काम आने वाले ब्रेकिंग सिस्टम देखा जाए तो रोस्टर एक्स के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर साइड ड्रम ब्रेक्स दिए जा रहे हैं। और बजाज फ्रीडम 125 में फ्रंट में और रेयर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं बेस और मिड वेरियंट में, लेकिन टॉप वेरियंट में फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किया जा रहा है। और इसके अलावा व्हील बेस ग्राउंड क्लीयरेंस तो रोस्टर एक्स के अंदर रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन बजाज फ्रीडम में 1340 mm व्हील बेस 170 mm ग्राउंड क्लीयरेंस ऑफर किया जा रहा है। और इसके अलावा इन दोनों मोटरसाइकिल्स में भी अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साइज के हिसाब से डिफरेंस होने वाले हैं। तो ये थे ये दोनों मोटरसाइकिल के बेसिक स्पेसिफिकेशन। वैसे ओला की तरफ से तो अभी ज्यादातर बेसिक स्पेसिफिकेशन को रिवील नहीं किया गया है, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको अपडेट कर दूंगा, जिसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो आप बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की ओर। परफॉर्मेंस में तो ज्यादातर रिवील ही हो गए हैं दोनों मोटरसाइकिल के अंदर। तो सबसे पहले हम ये दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिलने वाली टॉप स्पीड से ही शुरुआत करते हैं। रोस्टर एक्स के अंदर हमें तीन वेरिएंट ऑफर किए जा रहे हैं बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से, तो तीनों में भी डिफरेंट टॉप स्पीड देखने को मिल रही है। बेस वेरिएंट में 105 किलोमीटर पर आवर और मिड वेरिएंट में 117 किलोमीटर पर आवर और टॉप एंड वेरिएंट में 124 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ऑफर की जा रही है। और इस स्पीड को ऑपरेट करने के लिए तीनों के अंदर स्पोर्ट्स नॉर्मल इको मोड दिया जा रहा है। इस ड्राइविंग मोड से हम रेंज को भी ज्यादा पा सकते हैं और ज्यादा स्पीड का मजा भी ले सकते हैं। अगर हम बजाज फ्रीडम की बात की जाए तो एक ही बाइक के अंदर दो फीलिंग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो दोनों के अंदर डिफरेंट टॉप स्पीड रहने वाली है। सीएनजी की बात की जाए तो 90.5 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल रही है और पेट्रोल मोड में हमें 93.4 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल रही है। और इस स्पीड को ऑपरेट करने के लिए पांच गियर ऑप्शन मिल रहे हैं, मैनुअली एक डाउन और फोर अप, और इन गियर का मजा तो पल्सर जो चलाते हैं उनको पता ही होगा। तो इस स्पीड को देने वाले मोटर या इंजन की बात की जाए तो अभी ओला रोस्टर का जो मोटर है उसके बारे में भी रिवील नहीं किया, लेकिन ज्यादातर पीएमएस मोटर देने के ही चांसेस है। लेकिन बजाज फ्रीडम में एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन दिया जा रहा है। इससे निकलने वाला पावर की बात की जाए तो रोस्टर एक्स के अंदर तीनों वेरिएंट के अंदर बैटरी तो डिफरेंट मिल रही है, लेकिन मोटर की पीक पावर सेम देखने को मिल रही है 11 किलोवाट की। वहीं पे बजाज फ्रीडम की बात की जाए तो यहां पे 9.5 पीएस की बताया गया है कंपनी की तरफ से, लेकिन इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया जाए तो 13 किलोवाट की पीक पावर मिलती है बजाज फ्रीडम 125 में। और टॉर्क तो अभी रोस्टर एक्स के अंदर रिवील नहीं किया गया, लेकिन बजाज फ्रीडम में 9.7 एनएम का टॉर्क मिल रहा है। और इन सभी के अलावा इंडिया का फेवरेट क्वेश्चन है कितना देती है। रोस्टर एक्स के तीनों वेरिएंट डिफरेंट बैटरी कैपेसिटी के साथ आते हैं, तो तीनों में भी डिफरेंट रेंज क्लेम किया गया है और सभी सर्टिफाइड रेंज होने वाले हैं। बेस वेरिएंट के अंदर 117 किलोमीटर, मिड वेरिएंट में 159 किलोमीटर और टॉप एंड में 200 किलोमीटर का रेंज क्लेम किया गया है ओला की तरफ से। वहीं पे बजाज फ्रीडम में हमें दो फ्यूल ऑप्शन मिलते हैं, एक सीएनजी जिसके अंदर हमें 200 किलोमीटर का रेंज और एक पेट्रोल जिसके अंदर हमें 130 किलोमीटर का रेंज क्लेम किया गया है। ओवरऑल 330 किलोमीटर का रेंज हमें बजाज फ्रीडम 125 में मिल रहा है। और इस रेंज को देने के लिए फ्यूल कैपेसिटी या बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो ओला के अंदर तीन डिफरेंट कैपेसिटी मिल रहे हैं, जो कि पहले से भी हम बात कर रहे हैं, 2.5 किलोवाट आवर और 3.5 और टॉप एंड में 4.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है। और बजाज फ्रीडम की बात की जाए तो यहाँ पे फ्यूल टैंक आ रहा है, 2 kg सीएनजी का टैंक मिल रहा है और 2 लीटर पेट्रोल टैंक मिल रहा है। और बैटरी कैपेसिटी के बाद ज्यादातर हम चार्जिंग टाइमिंग का ही डिस्कस करते हैं, तो चार्जिंग टाइम वैसे तीनों में भी डिफरेंट होने वाला है, जो तो बोलने की जरूरत नहीं है तीनों में, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी अलग है रोस्टर एक्स के अंदर। जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर 3.5 घंटे से शुरुआत लेके टॉप एंड में 6 घंटे तक का टाइम लग सकता है ओला रोस्टर एक्स के लिए, लेकिन बजाज फ्रीडम के लिए तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि विद इन मिनट में हम रिफिल करवा सकते हैं बजाज फ्रीडम 125 को। तो ये था ये दोनों मोटरसाइकिल के बीच में डिटेल कंपैरिजन। मेजर परफॉर्मेंस का डिफरेंस देखा जाए तो हमें बजाज फ्रीडम में ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोटर का परफॉर्मेंस यहाँ पे रिवील किया गया है बस, इसके अलावा ज्यादातर रिवील नहीं किया गया है रोस्टर एक्स में। तो जो मोटर परफॉर्मेंस मिल रही है उसी हिसाब से हमें बजाज फ्रीडम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वैसे अगर आप प्राइस कैलकुलेशन देखना है तो पहले जैसे बताया हूँ वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा आपको पर किलोमीटर कितना खर्चा आ
रहा है इलेक्ट्रिक में और सीएनजी में। तो इस वीडियो में ये दोनों मोटरसाइकिल के बीच में लेने की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैं लेना चाहूंगा वो है बजाज फ्रीडम, क्योंकि रिफिल टाइम बहुत ही कम है, अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, लाइफ टाइम बहुत ही ज्यादा है। मैं पिछले वाली जो कि प्राइस कैलकुलेशन की वीडियो बनाया था सीएनजी और इलेक्ट्रिक के बीच में, वहां पे ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछा गया है, बैटरी का रिप्लेसमेंट खर्चा भी तो होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल होता है, बैटरी का रिप्लेसमेंट खर्चा भी होता है, उसको फ्यूचर में हमें कभी ना कभी चेंज कराना ही होगा, जिसके लाइफ साइकिल खत्म होने पर तो उसका भी अमाउंट जोड़ना ही होगा। जो बैटरी का खर्चा है वो बाइक के पूरे खर्चे में 80% तक का वैल्यू करता है। अगर बैटरी को रिप्लेस करवाते हैं तो उसके बदले में नई बाइक लेना ही इजी होता है, लेकिन सीएनजी में ये प्रॉब्लम नहीं ही है, क्योंकि यहाँ पे तो टैंक परमानेंटली बनी रहती है और कुछ समय के बाद टैंक का भी चेकिंग कराते हैं। अगर टैंक की लाइफ बेहतर रहे तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, अगर नहीं ये तो बहुत ही कम खर्चे में टैंक रिप्लेस हो जाती है। उसे पेट्रोल टैंक की बात की जाए तो जिसके बारे में तो बात ही नहीं करना चाहिए, जितने दिन बाइक रहेगी उतने दिन पेट्रोल टैंक रहेगी, अगर आप खुद से ही कुछ ना कुछ ना करो। प्राइस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा प्राइस देना होगा बजाज फ्रीडम के लिए, लेकिन कन्वीनियंट और यूजेबिलिटी के हिसाब से बजाज फ्रीडम बेस्ट है। अगर इलेक्ट्रिक के लिए तो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है, और होगा तो भी इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, तो चार्जिंग के लिए तो इंतजार करना ही है। तो यूजेबिलिटी के हिसाब से मेरे को तो बजाज फ्रीडम ही लेना बेहतर लग रहा है। वैसे आप कौन सा लेना चाहोगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई ईवी वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, सी यू सून।